दोस्तों, जब भी हम ट्रेन टिकट बुक करने जाते हैं तो वहां पे वेटिंग मिलना एक आम बात है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको यूज करके आप उस वेटिंग टिकट को कंफर्म कर लेंगे। कैसे करना है आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, सब कुछ लाइव दिखाऊंगा। मैं आपको वेटिंग टिकट बुक करके भी दिखाऊंगा, वो कंफर्म कैसे होता है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही रोज जीवन में काम आने वाली जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अभी मैं जिस ऐप में ट्रेन टिकट बुक करके दिखाने वाला हूँ, ये ऐप कैसे और कहाँ से डाउनलोड करनी है वीडियो में आगे बताऊंगा। मैंने इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद से ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद से सबसे पहले आपको यहाँ पे भाषा सेलेक्ट करनी है, उसके बाद से नीचे यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालनी है। मोबाइल नंबर डालने के बाद से आपको यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद से इस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, इस OTP को ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अब आपसे ये एप्लीकेशन कुछ परमिशन मांगेगा, आप इसे अलाउ कर देंगे। उसके बाद से इस ऐप का जो इंटरफेस होगा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर दाहिने तरफ ऊपर कोने में देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रेन बस, तो ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आपको यहीं पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बुक ट्रेन टिकट, तो आपको यहाँ बुक ट्रेन टिकट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ ये जो बॉक्स है इसमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से आप जिस स्टेशन से ट्रेन में बैठने वाले हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद से नीचे यहाँ उस स्टेशन का नाम सजेशन में आ जाएगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद से नीचे यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 के नीचे ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से आप जहाँ तक यात्रा करने वाले हैं यानी आप जिस स्टेशन पर उतरने वाले हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, नीचे सजेशन में आ जाएगा, यहाँ से आपको उस स्टेशन का नाम सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए कैलेंडर का निशान बना हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से आप जिस डेट को यात्रा करने वाले हैं वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए इसका कैलेंडर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आगे पीछे यहाँ पे क्लिक करके फिर अपना जो यात्रा का डेट है उसे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद से नीचे यहाँ सर्च पे क्लिक कर देना है। अब उस रूट में जितनी भी ट्रेनें होंगी उनका लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस ट्रेन का टिकट आपको बुक कर लेनी है। देखिए अगर उस रूट में कोई भी अगर आपको स्पेशल ट्रेन नज़र आती है, सामान्य रूप से जो स्पेशल ट्रेनें होती हैं उनका जो नंबर होता है वो सिर्फ 4 नंबर का होता है, यानी पहले 0 होता है और उसके बाद से 4 नंबर लिखा होता है। अगर आपको उस रूट में स्पेशल ट्रेन नहीं मिल रही है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी आपको टिकट कंफर्म मिलेगा या आपका जो वेटिंग है वो कंफर्म होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिप गारंटी, वेटिंग कितना दिखा रहा है 29, तो यहाँ पे वेटिंग 29 है। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर इस टिकट को बुक किया जाए तो ज़्यादा चांस है कि ये टिकट कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों मैं बहुत बार इसको ट्राई किया हूँ और अधिकांश बार मेरा टिकट कंफर्म हो गया है। तो आज भी मैं आपको ये टिकट बुक कर रहा हूँ और बुक करने के बाद से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये टिकट कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको वही टिकट बुक करना है जिसपे ट्रिप गारंटी लिखा हो। तो जैसा कि देख सकते हैं ये स्लीपर क्लास का टिकट है और इस पर ट्रिप गारंटी लिखा हुआ है, तो चलिए हम इसी को बुक कर लेते हैं। तो बुक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से आपको कुछ इस तरह का मैसेज शो होगा, यानी ये दिखा रहा है कि मैंने मैरवा से चंडीगढ़ के लिए सर्च किया था, जबकि ये जो टिकट बनाने के लिए कह रहा है वो सिवान से और अंबाला कैंट के लिए बना रहा है। दोनों में थोड़ी सी दूरी है, थोड़ा सा आपके साथ भी ऐसा हो सकता है या आपके साथ नहीं भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों मुझे अर्जेंट है, मैं इसी टिकट को बुक करूंगा। तो इसके लिए आपको नीचे यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है ओके गो अहेड, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे यात्री का डिटेल डालना होगा, तो जैसा कि देख सकते हैं सबसे पहले IRCTC का यूजर नेम डालना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से आपको IRCTC का यूजर नेम डाल देनी है। तो IRCTC का यूजर नेम कैसे बनाया जाता है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जरूर देखिए। यूजर नेम डाल लेने के बाद से आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद से स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रैवलर डिटेल, तो आपको यहाँ ट्रैवलर डिटेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद से एज लिखना है, उसके बाद से यहाँ पे लिंग यानी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है, महिला है तो फीमेल पे चेक करना है और पुरुष है तो मेल पे चेक कर लेना है। उसके बाद से नीचे आ जाना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा बर्थ चाहिए, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नो प्रेफरेंस ही रखा जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी वेटिंग में है, अगर हम यहाँ पे कोई प्रेफरेंस देंगे तो हो सकता है कि टिकट कंफर्म ना हो, तो यहाँ पे अच्छा होगा कि नो प्रेफरेंस ही रखा जाए।
उसके बाद से यहाँ सेव पे क्लिक कर देनी है। सेव पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो एक बार ऊपर नीचे कर करके आप चेक कर लेंगे कि आपने जो भी डिटेल दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो आप दोबारा इसको सही कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप फ्री कैंसिलेशन लेना चाहते हैं तो 96 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, लेकिन जब आप टिकट को कैंसिल करेंगे तो आपको कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा, आपका जो भी अमाउंट होगा वो वापस आ जाएगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से ट्रैवल करने वाला हूं, इसलिए मैं यहां पे आई विल पे कैंसिलेशन चार्जेज इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूं। उसके बाद से यहां पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद से यहां पर आपको कन्फर्म बुक हो रहा है या वेटिंग है, ट्रेन नंबर, यात्री का नाम, उसका उम्र और कितना किराया लग रहा है, सब कुछ आपको यहां पे दिख जाएगा। उसके बाद से यहां पर पे एंड बुक पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद से आपको यहां पर पेमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको अपनी सुविधा के हिसाब से पेमेंट कर लेना है। मैं यहां पे UPI द्वारा पे करने वाला हूं, तो ये जो UPI वाला ऑप्शन है मैं यहां पे क्लिक कर दे रहा हूं। क्लिक करने के बाद से आपके मोबाइल में जो भी UPI ऐप होगा वो आपको यहां पे दिख जाएगा। अब आप इनमें से जिसके द्वारा पे करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहां पेटीएम से पे कर दे रहा हूं। अब टिकट का जो भी किराया होगा वो आपके UPI ऐप में दिख जाएगा। आपको पासवर्ड डालनी है, उसके बाद से आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे IRCTC के यूजर नेम का जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद से ये जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल देनी है। डालने के बाद से आपको यहाँ कंप्लीट बुकिंग पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं एरर दिखा रहा है कि रॉन्ग क्रेडेंशियल, यानी लगता है कि पासवर्ड या कैप्चा मैंने गलत डाल दिया है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और फिर से दोबारा ट्राई करना है। तो मैं फिर से यहाँ दोबारा पासवर्ड डाल दिया हूँ, उसके बाद से यहाँ पे कैप्चा डाल देनी है। देखिए कैप्चा डालते समय आप ध्यान रखिएगा कि जो कैपिटल लेटर में है वो कैपिटल लेटर में, जो स्मॉल लेटर में है उसे स्मॉल लेटर में ही डालना है। उसके बाद से नीचे यहाँ कंप्लीट बुकिंग पर क्लिक कर देना है। अब आपको बस कुछ सेकंड वेट करना है, आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ सेकंड वेट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये टिकट बुक हो चुका है। इस टिकट को मैंने 18 तारीख को बुक किया है और 20 तारीख को यात्रा करना है। तो अभी 2 दिन बचा हुआ है और वेटिंग देख सकते हैं 33 है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये टिकट कंफर्म होता है या नहीं होता है। तो 1 दिन बाद चलिए हम इस टिकट को चेक करते हैं। तो मैंने जिस एप्लीकेशन में इस टिकट को बुक किया है उसका नाम मैक माई ट्रिप है। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद से आपको यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है व्यू मैनेज ट्रिप, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपने जो भी टिकट बुक किया होगा यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब आपको सिंपली उसी टिकट पे क्लिक करना है जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टिकट का RAC मिल गया है, RAC 165 हो गया है। अभी हम लोग कुछ घंटे बाद फिर से चेक करेंगे कि ये कन्फर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये टिकट कंफर्म हो गया है। इसका जो कोच है वो S9 है और इसका जो बर्थ है वो 39 है। लौटते समय भी मैंने ऐसे ही टिकट बुक किया था और उस समय जो वेटिंग था वो 30 था, लेकिन वो एक ही दिन में कंफर्म हो गया था। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद से आप कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।